स्वाभाविक है, वो तो फैक्ट है। बड़ी बेदर्दी से और बेशर्मी से दिल्ली पुलिस ने छात्र छात्राओं को मारा पीटा और लाइब्रेरी में घुस के मारा पीटा। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकती। मोहन भागवत कह रहे हैं कि देश में सुख सुविधा ऐसा आराम बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग नाराज हैं और आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये नहीं कि जो मैंने देखी है उसके अंदर साफ कहा है कि हर वर्ग में असंतोष है, हर वर्ग में असंतोष है। हर वर्ग में असंतोष क्यों है हम सब जानते हैं। कॉरपोरेट नाराज, व्यापारी नाराज, इंडस्ट्रीज नाराज, मजदूर नाराज, शिक्षक नाराज, बेरोजगार नाराज, किसान नाराज, मजदूर नाराज। कौन खुश है? केवल मोदी और शाह, यहाँ तक कि भाजपा के दूसरे नेता भी नाराज। नागरिकता के मुद्दे पर कांग्रेस का एक्शन प्लान क्या है आखिर? कांग्रेस के हम पूरे तरीके से, पहली बात तो ये नागरिकता कानून लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। कहते हैं हम हिंदुओं को नागरिकता दिलवाएंगे, अरे पहले भी मिल रही थी। आजादी से लेकर आज तक 85% जिन लोगों को नागरिकता दी गई है वो सब हिंदू है। तो पहले के कानून में कौन रोकता था आपको नागरिकता देने से? नए नागरिकता लाने की आवश्यकता क्या? कांग्रेस का एक्शन प्लान क्या है ऑल ओवर इंडिया? हमारा एक्शन प्लान मध्यप्रदेश की बात नहीं, मैं देश की बात कर रहा हूँ। एक्शन प्लान ये है, हम सुप्रीम कोर्ट में सीए के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है, हम लोग उसमें लड़ाई लड़ेंगे। एनपीए के मामले में जो हमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे पिता कहाँ पैदा हुए, तुम्हारी माता कहाँ पैदा हुई, तुम्हारे पिता की जन्मतिथि बताओ, माता जी की जन्मतिथि बताओ, हम कोई उसमें उत्तर देने की जरूरत हमें नहीं है और मैं तो कम से कम देने वाला नहीं हूँ। और NRC पर हम लोग साफ कह चुके हैं हम उसको स्वीकार नहीं करते। यदि कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो अराजकता की स्थिति नहीं बनेगी। कैसे क्या अराजकता होगी उसमें? कोई चीज यदि डॉक्यूमेंट मांगेगा और आपको कौन सा डॉक्यूमेंट? आपके पास आप पिताजी का जन्म सर्टिफिकेट आपके पास है क्या? आपका माताजी का जन्म सर्टिफिकेट आपके पास है क्या? आप बताइए इसमें क्या अराजकता है? नहीं मेरे पास तो है। अरे है, मेरे पास तो नहीं है, मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं सवाल ये नहीं, तो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? लगातार महंगाई बढ़ रही है। सवाल ये नहीं, अराजक बात ये बनेगा जब कोई अराजकता आएगा। हम सारे आधार कार्ड दे देंगे, वोटर कार्ड दे देंगे, अपनी जन्मतिथि बता देंगे, हम कहाँ पैदा हुए वो बता देंगे, हमारी पत्नी का बता देंगे। लेकिन हमसे पूछेंगे माता कहाँ पैदा हुई, पिताजी कहाँ पैदा हुए, तुम्हारा ये वोट, तुम्हारा एज उनका जन्मतिथि बताओ, वो कहाँ से देंगे? और मैं दे भी दूंगा, 130 करोड़ जनता दे देगी, जिसके गांव के अंदर किसी से पूछ लीजिए कब पैदा हुए कि साहब दिवाली के पांच दिन पहले पैदा हुए थे, अब बताओ। बस यही तो है, इस सब महंगाई बेरोजगारी से बचने के लिए CAA लाओ, NPR लाओ, NRC लाओ, ताकि लोग उलझे रहे। सिंधिया